राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अवैध खनन में संलिप्तता को लेकर ईडी ने कई साक्ष्य जुटाए हैं। ईडी ने कोर्ट में दिए प्रोसिक्यूशन कंप्लेन में रवि केजरीवाल के बयान में आए तथ्यों को सही पाने की बात कही थी। रवि केजरीवाल ने बयान दिया था कि सीएम हेमंत सोरेन के कहने पर संथाल परगना में हुए अवैध पत्थर और बालू तस्करी का पैसा प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के जरिए प्रेम प्रकाश को भेजा जाता था। इसके बाद यह पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए अमित अग्रवाल को भेजा जाता था। ईडी ने दावा किया है कि 21 जुलाई को रवि केजरीवाल के बयान की पुष्टि में यह जाँच हुई है। जाँच के दौरान ईडी ने पंजाब नेशनल बैंक के खाते में 5,65,17,000 रुपए जमा कराए थे। यह खाता प्रेम प्रकाश के देखरेख में चलने वाली कंपनी मेसर्स हर्बल ग्रीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। अमित अग्रवाल की कंपनी मेसर्स अरोरा स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड के खाते में 5,31,18,000 रुपए जमा कराए थे। दोनों कंपनियों के खाते में 10.96 करोड़ रुपए जमा हुए थे। ये पैसे 26 अगस्त 2020 से 8 जनवरी 2021 के बीच जमा किया गया था। ईडी के द्वारा दिए गए जानकारी के मुताबिक जाँच के दौरान कई बैंक खाते और व्यक्तिगत लोगों के बीच लेन देन के कई सबूत मिले हैं। फिलहाल ईडी के द्वारा अनुसंधान अभी भी जारी है। सारे ट्रांजैक्शन और तथ्यों का मिलान जेएमएम के निलंबित कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल के बयान से किया गया तो यह सही पाया गया। ईडी के मुताबिक रवि केजरीवाल ने कहा था कि यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहने पर प्रेम प्रकाश के पैसा जाता था। जेएमएम के निलंबित कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल ने ईडी को दिए अपने बयान में कई सनसनीखेज जानकारी दी थी। ईडी के अनुसार केजरीवाल ने बताया था कि एक दिन वह मुख्यमंत्री के साथ बैठा हुआ था। उस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को निर्देश दिया था कि संथाल परगना से जो भी फंड अवैध बालू या स्टोन चिप्स कारोबार से आता है उसे सीधा प्रेम प्रकाश को पहुंचाए। इसके बाद यह कहा गया था कि प्रेम प्रकाश यह पैसा अमित अग्रवाल को पहुंचाएंगे। ईडी ने कोर्ट में रवि केजरीवाल के बयान का जिक्र करते हुए बताया है कि रवि केजरीवाल ने ही बताया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सलाहकार अभिषेक प्रसाद से भी प्रेम प्रकाश के बेहतर संबंध है। बता दें कि प्रेम प्रकाश पूर्व में मिड डे मील में अंडा की सप्लाई करता था, लेकिन बाद में वह पावर ब्रोकर बन गया। इस दौरान कई ब्यूरोक्रेट और राजनीतिज्ञों के पैसों का फंड मैनेजर भी बन गया था। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।